इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री था, डेमोक्रेसी थी, लेकिन अब आपको कंडीशंस का पता है, पाकिस्तान इज नो मोर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जा रहे अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, आई मीन हर चौथा बंदा माइक उठा के इधारों को क्यों बदनाम करना चाह रहा होता है? मैंने तो सवाल किया, मैंने ये नहीं कहा कि इधारे इधारे अल्लाह माफ करे, इधारों का इस चीज से क्या लेना देना, इधारों का इस चीज से क्या लेना देना ना, इधारे तो लोग ये कहते हैं ना कि भाई इधारे शायद काम नहीं करने देते। जो लोग ये कहते हैं वो गलत कहते हैं, जो लोग एस्टेब्लिशमेंट को गलत कहते हैं, जो लोग अपने इदारों को गलत कहते हैं, वो खुद गलत हैं। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सी छोटी सी बात बताता हूँ भाईजन, डीजल सस्ता करो, ठीक है, किसान को रिलीफ मिलेगा, खादें सस्ती करो, किसान को रिलीफ मिलेगा, ठीक है, जमीन जो है जरखेज तब होगी जब उसमें पानी जाएगा। हम मांगने वाले कौन है? हम मांगते थे, मांग रहे और मांगेंगे। सर हमारे ऊपर जो हुक्मरान है, हमारे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट है, हमें हमारे राइट्स सही से नहीं दे रहे। अब अगर गरीब बंदा एक आवाज़ उठाता है, आप खुद इमेजिन करें उसके साथ क्या होगा। कि वो टेक्नोलॉजी में आया कि वो सबसे पहले ही था, ठीक है, वो आईटी में क्या इंडिया शुरू से ही सबसे पहले, आईटी में क्या इंडिया शुरू में ही था पहले? नहीं ना, वो अब है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ही अवाम को, अपनी ही यूथ को यूटिलाइज किया, ठीक हो गया, और आज वो वाकई की अगर बात करें, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम अपने 80 करोड़ आबादी को फ्री राशन दे। मेरी बात सुने, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री था, डेमोक्रेसी थी, लेकिन अब आपको कंडीशंस का पता है, पाकिस्तान इज नो मोर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ऑफिशियली आप कह रहे हैं, ऑफिशियल नहीं सर, बिल्कुल ऐसा हो गया, आप देख रहे हैं कंडीशन आपके सामने है, जो बस एस्टेब्लिश अकल का तकाजा यही कह रहे हैं। हर एक को पता है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन ऑफिशियली तो हम भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये पठान है लेकिन इसका अकल है, देखिए हर बंदे को अकल है, अभी हर बंदे को अकल है। मैं अब सराकी हूँ, स्कूटर हूँ, मुझे भी इतना अकल है कि यार समय जा रही है, देख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, आपके सामने सारी कंडीशन, अब अंधे बंदे को नजर भी आ रहा है। मैं और आप देखते रहेंगे हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या मैं ऐसे माइक उठाऊंगा, सड़क पे आऊंगा, पूछूंगा, आप ऐसे ही बस इंटरव्यू देंगे, कभी थोड़ा मजाक करेंगे, कभी थोड़ी सीरियस बात करेंगे और बस। गरीब बंदा क्या कर सकता है आप बताएं? अब अगर मैं आवाज उठाता हूँ, मेरी आवाज दबा दी जाएगी, आवाज के साथ कुछ और भी दबा दिया जाता है, मतलब गला दबा देते हैं, कुछ करते, आप कुछ नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, आवाज के साथ गला या कुछ और भी दबा। जी जी, देखिए गरीब और हमेशा वो दबाए जाते हैं, गरीब और जो भी गरीब हो वो दबाया जाता है हमेशा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके? किसके ऊपर? इनके ऊपर, जो इन्होंने बात किया उसे एग्री करते हैं। ये मेरा गुरुजी है, ये जो भी बोलते हैं मैं आंखें बंद करके, खानों को बंद करके मानता हूँ, सुनता हूँ और उसी राह पे चलता हूँ। भाई ने कहा था कि मांगने वाला काम इजी है, मैंने मांगना शुरू किया, अब भाई कहते उबर का काम अच्छा। हमारे पॉलिटिशियन भी यही कहते नजर आ रहे हैं या करते नजर आ रहे हैं। देखो हमारे बड़े कर रहे हैं ना, तो हम उसको क्यों फॉलो ना करें उनको? किसान का मजाक नहीं बन रहा? नहीं, क्यों? देखे ना, ये वीडियो अगर इंटरनेशनल लेवल से कोई देखता है वो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की यूथ मांग रही है? तो जो हकीकत है वो सबको बताना चाहिए ना, हकीकत यही है। लेकिन मेरे ख्याल से हम मांगने वाले कौन है? हम मांगते थे, मांग रहे और मांगेंगे। सर हमारे ऊपर जो हुक्मरान है, हमारे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट है, हमें हमारे राइट्स सही से नहीं दे रहे। अब अगर गरीब बंदा एक आवाज़ उठाता है, आप खुद इमेजिन करें उसके साथ क्या होगा। इतनी हल्की आवाज उठा रहे हैं, थोड़ी आवाज तो थोड़ी। नहीं नहीं सर, मैं हल्की आवाज क्यों, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, डरता हूँ वैसे तो। देखें गरीब की आवाज दबाई जा रही है, सिंपल सी बात है, अब कुछ नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है, सबसे पहले मैं खुद को बेहतर करूंगा, फिर मैं अपने साथ वालों को बेहतर करूंगा, तो शायद सोसाइटी बेहतर होगी और पाकिस्तान बेहतर होगा। ये किताबी बातें लगती हैं, लेकिन अगर हम इन बातों पे अमल नहीं करेंगे तो शायद पाकिस्तान नीचे से नीचे जाता रहेगा, बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप देखने वालों के लिए या ओवरऑल यूथ के लिए? सर बस मैं तो यही कहूँगा, उबर चलाएं सारे, मैं भी उबर चला रहा हूँ, मेहनत करें, इसी में आपकी रोजी रोटी है, बाकी कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात ना करें, आईटी के हवाले, मेडिसिन के हवाले से बात ना करें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्या मेडिसिन, मेडिकल या मेडिसिन, नहीं नहीं इससे जो भी बोला इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिंपल उबर ड्राइवर हैं, हम बस यही काम करते हैं, हमारे रिलेटेड तो यही है कि बस उबर चलाओ, मजे करो, रोजी रोटी। पाकिस्तान में उबर चलाओ या बाहर जाके चलाओ, ड्राइवर जहाँ चलाओ, रात को मजे भी करो अपने, आए जैसे होता है, मतलब आके आराम से सो, रेस्ट करो, जितना मर्जी डेवलपमेंट की तरफ चला जाए, दुनिया में इकॉनमी जितनी मर्जी ग्रो होती जाए, हम जो दुनिया में हो रही है ना, पाकिस्तान में कहाँ हो रही है? पाकिस्तान में कहाँ आपको आगे जाने, कट के रह जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, दुनिया से साइड पे हो जाएंगे। कैमरा इधर कर। नहीं देखें, जहाँ तक मुझे लगता है अभी ये एक सोल्यूशन तो ये है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट सिंसियर हो जाती है, अगर जो हमारे ऊपर गवर्नमेंट मुसल्लत है, अगर ये हमारे साथ सिंसियर हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता ये क्राइसिस होंगे। ये आप देखें फूड क्राइसिस हो रहे हैं, अभी पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट कराया कितने, और देखें हर हर जो पाकिस्तान का सिटीजन है वो बाहर की
सिटीजनशिप पर लेने के लिए रेडी है, कहीं की भी रेडी है। प्यार पाकिस्तान से करते हैं, पाकिस्तान से करते हैं, लेकिन उनको जाना बाहर चाहते हैं। उनको पता है कि सर रिसोर्सेज ही नहीं है, यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है। अगर रिसोर्सेज हैं तो फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट हाफिज कमर जावेद बाजवा जिंदाबाद। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। नो डाउट बहुत सी बातें शायद इन्होंने मजाक के मूड में की हैं, लेकिन उस मजाक के एलिमेंट में भी बहुत सी ऐसी ऑथेंटिक बातें। सीरियस कह रहे थे कि भीख मांगना चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले बात सीरियस मूड पे, मतलब सबसे पहले बात यह है कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर कानून की बालादस्ती हो तो फौज या जितने भी मतलब पनिशमेंट वाले हैं ना, वो सियासत से निकल जाएंगे। जब वो सियासत से निकल जाएंगे तो हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो ओपनली सोचेंगे, उनके ऊपर कोई ऊपर से प्रश्न नहीं आएगा, प्री प्लान इस मुल्क में नहीं आएंगे। उसके बाद वो लोग अवाम के पलाह व बहबूदी के लिए स्टेप्स उठाएंगे। जो हम अगर लास्ट पे मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि वो कहता है, ना बिजली है ना पानी है ना आटा है दुकानों पर, ना बिजली है ना पानी है ना आटा है दुकानों पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जबरदस्त, ये फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जैन बाबू। जैन बाबू, ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का काम करते हैं, लेकिन चले ठीक है, टांके लगा के लोगों को आपस में जोड़ता हूँ यार, मतलब ये भी तो हो सकता है ना, लाजमी तो। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ये हमने अपने स्कूल की बुक्स में पढ़ा, कॉलेजेस की बुक में पढ़ा, फिर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा, लेकिन फिर भी फूड शॉर्टेज पाकिस्तान में हो रही है, क्या रीजन है इसकी? भाई बाहर ना भेजो, बाहर ना भेजो। मैं अगर कहूं कि हमें तो बाहर से फूड अभी आ रहा है, हमें तो बाहर से वीट आ रही है, तो आप क्या कहेंगे इसके? यार बेसिकली कुछ ऐसे मामले भी हैं, जैसे पाकिस्तान में फ्लड आया है, फ्लड की नज़र भी काफ़ी चीज़ें जो हो गई हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे अब जो किसान है ना, किसान ज़मीनों को सेल करना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि खाद महंगी हो गई है, डीजल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, हाउसिंग सोसाइटीज बन गई हैं, मोटरवेज वगैरह वहाँ से गुजरना शुरू हो गए हैं, लोगों के अंदर हवस आ गया है कि भाई साड़ी जमीन मोटरवे जाएगी, असी करोड़पति हो जाएंगे। मतलब ये पाकिस्तान का जो पब्लिक है, जो पाकिस्तान का इंडिविजुअल है, वो अपनी जेब का सोच रहा है, पाकिस्तान का नहीं हम सोच। देखो भाई, पाकिस्तान का वो बंदा सोचेगा जो मुहिब्बुल वतनी होगा, ठीक है। यहाँ पर नफसा नफसी का दौर है, हर बंदा, अगर मैं आपको ही कहूँ ना कि यार आप ये चैनल छोड़ो, आपको, आप यहाँ से 50,000 ले रहे हो, मैं दूसरी जगह आपको जो है वो 1,00,000 रुपए में नौकरी लेकर दे देता हूँ, आपने पता करना, वो ठुड्डा मारो यार, चलते हैं आगे। ऐसा ही होता है, लेकिन मैं भी मैं ऐसा ना करूँ। अच्छा ये बताएं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान तो एक दिन, अभी तो हम ये कह रहे हैं डायरेक्टली कहते नजर आ रहे हैं, इनडायरेक्टली कहते नजर आ रहे हैं जी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं, लेकिन एक दिन अल्लाह ना करे ऐसा आएगा कि जब हम अपनी अना में या अपनी खुद गर्जी में पाकिस्तान की पब्लिक इतना इन्वॉल्व हो जाएगी कि पाकिस्तान की तरफ नहीं देखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो आवाम है वो बड़ी बाशऊर है और पढ़ी लिखी है। बाशऊर भी है, पढ़ी लिखी भी है, और फिर पाकिस्तान भी के साथ मोहब्बत भी करती है। नहीं 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 नहीं, देखिए अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, जहाँ पढ़े लिखे होते हैं ना वहाँ जाहिल लाजमी होते हैं, जहाँ जाहिल होते हैं ना वहाँ पर जहरी सी बात है, पढ़े लिखे भी होते हैं। देखिए मेजोरिटी जाती है कि मेजोरिटी क्या कर रही है, पाकिस्तान के जो मेजोरिटी है वो क्या कर रही है अपनी जमीनों के साथ, लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पर क्यों नहीं आ रही। अच्छा इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है ये तो एक इंडिविजुअल्स की बात है, हर एक की अपनी मर्जी है, उसकी प्रॉपर्टी है, इसमें पाकिस्तान की अगर बात करें किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की, अदारों की, या पब्लिक की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेकर आए, पर दुनिया में जो चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ हो रही हैं हम उनसे सीखें, उन्हें देखें और पाकिस्तान को आगे लेकर। मेरे प्यारे भाई, पढ़े लिखे हो, बाशऊर भी हो, आपको इसका बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई जान गवर्नमेंट जो है ना वो करता धरता दूसरे लफ्ज़ों में माई बाप है, ठीक है, तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ? गवर्नमेंट, आपको लगता है कि आपको लगता है सिर्फ गवर्नमेंट माई बाप? सुनो सुनो अदारे, सुनो सुनो इदारों को देखो जी, इदारे अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, एवं हर चौथा बंदा माइक उठा के इदारों को क्यों बदनाम करना चाह रहा होता है? अल्लाह माफ करे, इदारों का इस चीज से क्या लेना देना है? इदारों का इस चीज से क्या लेना देना ना? इदारे तो लोग ये कहते हैं ना कि भाई लोग, जो लोग ये कहते हैं वो गलत कहते हैं, जो लोग एस्टेब्लिशमेंट को गलत कहते हैं, जो लोग अपने इदारों को गलत कहते हैं, वो खुद गलत है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सी छोटी सी बात बताता हूँ भाईजन, डीजल सस्ता करो, ठीक है, किसान को रिलीफ मिलेगा, खाते सस्ती करो, किसान को रिलीफ मिलेगा,
ठीक है, जमीन जो है जरखेज तब होगी जब उसमें पानी जाएगा, जब भाईजान डीजल ही नहीं आएगा, खादें सस्ती नहीं होंगी। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले खादें नहीं होती थी, ठीक है, गोबर के जरिए जो है वो मिक्स करके, गोबर को सुन लो गोबर को मिक्स करके मिट्टी में जो है वो अच्छे तरीके से उसको तैयारी दी जाती थी, वो जो भी है ठीक है तैयारी दी जाती थी, और उसके जरिए जो है वो अच्छी फसल जो है वो उग जाती थी। अब क्या होता है, अब हम लोगों ने अपने बच्चों को सीरीलैक पे लगा दिया हुआ, पहली माएँ गुट्टी देती थी, अब आपको गुट्टी का पता ही नहीं होगा, ग्राइमेटर का तो पता ही नहीं होगा, सुन ले यहाँ सवाल किया तो सुन ले, पहली माएँ गुट्टी देती थी, ग्राइमेटर देती थी, लाइक ऐसी ऐसी चीजें देती थी, या फिर मतलब बच्चों को भाप दिया करती थी, गत्ता होता था, साइडों पर दो छोटे छोटे पिल्लू होते थे, उनके ऊपर उनका सर रख के सीधा किया जाता। अब क्या होता है, माँ बेचारी मोबाइल में लगी हुई है, बच्चा कहीं और लगा हुआ, सेम यही सिचुएशन है। हुकूमत हमारी जो है वो, गवर्नमेंट हमारी जो है वो अपने खेलों में मसरूफ है, और महंगाई जो है वो अरूज की तरफ जाती जा रही है, गरीब पिसता जा रहा है। ओ प्यारे भाई, इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि इदारे इन्वॉल्व हैं, इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्वमेंट है, इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब कोई भी ऐसा बंदा जिसके बारे में, देखो छोटी सी मौका देंगे, मैं एक बात बोल जाएगी, बोलो बोलो बोलो। आपने बोला डीजल सस्ता होना चाहिए, डीजल आना चाहिए, खान साहब डीजल लेने गए तो उन्हें क्यों हटा दिया गया, रशिया से डीजल लेने गए, आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा, आपको किसने कहा खान साहब डीजल लेने गए, खान साहब कंटेनर चलाते हैं, खान साहब ड्राइवर हैं, फिर ये अगर हम ऐसी बात करेंगे मतलब भाई वही बच्चों वाली बातें, इसे डिसएग्री कर रहे हैं, बच्चों वाली बातें, फूड पांडा वाला जो है ना वो मेरे लिए खाना लेने गया, और भाई वो डिलीवरी बॉय है, उसने आपके लिए खाना लेने जाना है, उसकी ड्यूटी है, ठीक है, आपने मंगवाया है, आपका पैसा है, आपको जो सूट करेगा आप वो खाओगे। मुझे यहाँ पर, अब मैं हाफिज जूस कॉर्नर पर बैठा हूँ, मुझे यहाँ पर अगर किसी भी कोई भी फ्लेवर अच्छा लगेगा मैं वो मंगवाऊंगा, ना के वो जबरदस्ती मेरे मुंह में ला के केले का मिल्कशेक तो दे नहीं देगा, मैंगो का तो दे नहीं देगा, जो मंगवाऊंगा मुझे वो मिलेगा। यहाँ पर होता क्या है, खान साहब अगर गए थे ना, तो खान साहब ने ले आए, रशिया से तेल आ गया, यही तो बात कर रहा हूँ, उन्हें हटा दिया गया, मेरी आप बात नहीं, अब जज्बाती हो रहे हैं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उन्हें क्यों हटा दिया गया, मैं जज्बाती क्यों हूँ, हटा क्यों दिया, तो मैं कोई सुनो ना, हटा क्यों दिया गया, ये सवाल मुझे बताएं, मतलब इसका जवाब दें, तो आपने बोला ना डीजल सस्ता होगा तो बेहतरी आएगी, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन डीजल कैसे सस्ता होगा, पाकिस्तान में तो डीजल निकल नहीं रहा, हमने रशिया से लेना या सोते ऑयल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर हो या जो भी हेड ऑफ स्टेट हो वो बात करता है रशिया से तेल लेने की, तो उसे जो उनसे सैंक्शंस की वजह से हटा दिया जाता है। अब दो सवाल हैं, दोनों में से जवाब किसका दूं, दोनों का, खान साहब को हटाने का या डीजल का, दोनों का, वो लिंक करते हैं ना, आप खान साहब वाली बात कर रहे हैं, खान साहब को भाई जान क्यों हटाया गया, ठीक है, ना तो मेरा ताल्लुक है पॉलिटिकल, ठीक है, ना तो मेरा कोई किसी और किस्म का ताल्लुक, लाइए रख दीजिए, ठीक है, ना तो मेरा किसी और किस्म का ताल्लुक है। अच्छा, अब सिंपल सी बात बताता हूँ, जो खान साहब से पहले मियां साहब उतरे थे उनको किस बुनियाद पर उतारा गया था, उनसे पहले जब जरदारी साहब उतरे थे उनको किस बुनियाद पर उतारा गया था, सुन लो अब, ठीक है, उससे पहले आपके यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, उनको क्यों उतारा गया था, उससे पीछे चले जाओ आपके परवेज मुशरफ साहब थे, ठीक है, बेशक वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे थे, ठीक है, और वो पाक आर्मी के मतलब करता धरता भी रहे हैं, ठीक है, उनको मतलब देखो टेन्योर कंप्लीट होना, अब आप लोग जब किसी का टेन्योर कंप्लीट नहीं होने देते ना तो होता पता क्या है, इंतजार पैदा होता है। नहीं, मेरा सवाल का जवाब ऑथेंटिक नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों हटाया गया, मेरा बस ये सवाल है, आप उसके ऊपर ये बता दें, इस वजह से वो परफॉर्म नहीं थे ठीक कर रहे या किसी इदारे ने इन्वॉल्वमेंट की, ये बात करें, मैं ये तो नहीं पूछ रहा पहले मुशर्रफ ने, उससे पहले यूब ने, उससे पहले भुट्टो ने, क्या मेरा तो ये सवाल, मेरी नजर में परफॉर्मेंस जीरो थी, मेरी नजर में परफॉर्मेंस जीरो थी, क्योंकि आप भी देखे पढ़े लिखे हो ना, इसी दुनिया में रहते हो ना, 3.5 साल में क्या किया, सेहत कार्ड दिया जो 2015 में नवाज शरीफ देके गया था, उसके बाद वो क्या उसको कहते हैं, वो जो 8-10 हजार रुपए देना था वो कौन सा था, वो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट का चल रहा था, ठीक है, उसके अलावा भाई जान ये जो मुझे बताइएगा आप, अब आपने जवाब देना इस बात का, अब आप ये मेरा काम जवाब देना नहीं, मेरा काम सवाल करना, लेकिन सवाल करना नहीं, जब बहसों मुबहसा हो रहा था ना उसमें सवाल का जवाब भी दिया जाता है, पूछे मेरे पास नॉलेज होगा। अब ये बताइएगा जो पैसे इकट्ठे हुए थे इसके डैम्स के वो किधर हैं? मैं आपको इधर ऑथेंटिक न्यूज के साथ, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अभी मोबाइल निकालने अगर आपका नेट चल रहा है वो डैम के ऊपर काम हो रहा है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, वो हो रहा है, किसी की फेवर नहीं कर रहा हूँ, वैसे बात वो हो रहा है, काम हो रहा। अच्छा ये बताइए, मीडिया पे ना आए तो लैदा सर, वो ये बताइएगा, ये थोड़ा साइड पे कीजिएगा,
वो ये बताइएगा जो 1380 अरब आई थिंक मुबैना तौर पर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता जो फंड आया था वो किधर गया। वो सलाब जदगान के मकान माशाल्लाह उनको नौकरियां भी मिल गई उनके मकान भी बन गए यार अब वो क्या मिक्स कर रहे हैं इमरान खान साहब को शबाशी साहब को वो तो इस गवर्नमेंट में है ना फ्लैट इनकी पीडीएम की गवर्नमेंट में आया वो इमरान खान नहीं 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 फ्लैट इनकी गवर्नमेंट में आया तो उसने फंड किसने इकट्ठे किए थे 1380 अरब किसके ओ भाई मारो ओ मेरी बात टेलीथॉम के थ्रू ठीक है ना क्लियर भी करें आ गई ना समझ आ गई ना हां वो किधर गया ठीक हो गया उनके मुताबिक उन्होंने लगाया होगा लेकिन मैं बात को वाइंड अप करता हूँ मेरा जो काम है वो ओपिनियन लेना है मेरा काम किसी को गलत या सही कहना नहीं है मैं देखो मेरी बात सुनो मैं भी यही काम करता हूँ मैं भी यही काम करता हूँ ठीक है और मैं भी रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ चेहरे फेस करता हूँ आपको एक चीज बताऊँ आप ये काम कर रहे हो माफी से आप भाई भी हो ठीक है सॉरी टू से आप ये काम कर जरूर रहे हो लेकिन आप एक बंदे की फेवर में कर रहे हो ये ऑन द स्क्रीन कह रहा हूं आप तब से तो खान खान साहब जप रहे हैं मैंने एग्जांपल के तौर पे किसी को कोट किया जाता है मैंने किसी की फेवर में बात नहीं की एग्जांपल के तौर पर अगर किसी को कहना हो तो उसके लिए दो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मुबैना तौर पर दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इत्तलात के मुताबिक तीसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि भाईजान हो सकता है ये कहता रहा हूँ कि लोगों का कहना है मैंने अपनी बात नहीं की लेकिन फिर भी बहस करना मकसद नहीं है हाँ। इनकी जो ओपिनियन थी वो आप तक पहुंचाई मैं कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ कुछ एग्री करता हूँ लेकिन मैं मेरा देखो मेरा खान साहब से कोई जाती ताल्लुक नहीं है मेरा मियां साहब से कोई जाती ताल्लुक नहीं है मेरा कोई टीएलपी से कोई पीपी से कोई जमात इस्लामी से इन सबसे कोई जाती ताल्लुक नहीं है मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान के हक में जो बेहतर है बेशक वो एस्टेब्लिशमेंट है बेशक वो नून लीग है बेशक वो काफ लीग है बेशक वो अलिफ से लेके ये लीग है जो भी है अच्छा, आपके ख्याल में वैसे कौन सी पार्टी बेहतर है? मेरे ख्याल से कौन सी पार्टी बेहतर है मेरे ख्याल से पब्लिक ओपिनियन ना मेरा ख्याल ये है कि इस टाइम ना सिर्फ कायदे आजम पार्टी जो ना वो सबसे बेहतर है पता कौन काफ लीग नहीं 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 ना ना ये वाली पार्टी इस टाइम सबसे बेहतर है आप इसे वोट देंगे मैं इसको वोट देता आ रहा हूँ भाई आप भी इसी को वोट देने के लिए इस टाइम रात के 1:30 बजे भाई पब्लिक ओपिनियन करने के लिए निकले हुए हो आपने जवाब दिया कि आप किसको वोट देंगे अच्छा लगा इनसे बात करके अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आपका नाम मोहम्मद नुमान मुनीर मोहम्मद नुमान क्या करते हैं आप मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और ठीक हो गया टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं फूड के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में फेमस है था कि ये एक एग्रीकल्चर कंट्री है पहले तो ये बताएं एग्रीकल्चर कंट्री हो और किसी दूसरे कंट्री से उन्हें वीट इंपोर्ट करनी पड़े कैसा लगे हाँ नहीं बिल्कुल ये बात तो नहीं ठीक ना इवन कि हम एक एग्रीकल्चर हैं और एग्रीकल्चर कंट्री हैं और दूसरे मुबालिक के हिसाब से हमारा जो एग्रीकल्चर का रेट है वो बड़ा ज़्यादा है लेकिन हम उस तरह उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे ठीक हो गया। अभी इंडिया से खबर आई है उन्होंने ये अभी स्टेटमेंट दी है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या इंडियन गवर्नमेंट है वो इतनी पावर रखती है कि वो पूरे अमेरिका को फूड सप्लाई कर सकती है वो पूरे जापान को जो उनका घर बना के दे सकती है मतलब एक इतनी वो ज्यादा वो अपना जो उनसे उन्होंने अपनी इकॉनमी को मजबूत और इसके अलावा फूड के हवाले से उन्होंने बात की कि दुनिया को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं क्या रीजन है इसका हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है उनका विजन क्लियर है उनका विजन क्लियर है हर चीज़ के मामले में और हमारा हमारा विजन क्लियर नहीं है हम किसी चीज़ को लेकर नहीं चलते एक मतलब करंट पॉलिटिक्स ले लें आप इसमें भी कोई विजन ही नहीं है हमारा ना जिसकी वजह से ये मामला जो से है एग्रीकल्चर के फूड क्राइसिस के ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं विजन की आपने बात की नो डाउट मैटर करता है देखें इंडिया की आबादी कितनी आप बताएंगे हाँ इंडिया की आबादी हमारे से ऑलमोस्ट 1 अरब के करीब है उनकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ से भी प्लस है हाँ, या 1 अरब 40 करोड़ आप कह लें वो अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं फ्री फूड दे रहे हैं हमारी टोटल आबादी 24 करोड़ या 25 करोड़ और यहाँ पे फूड क्राइसिस है हाँ बिल्कुल मैंने आपको बताया ना उनका हर चीज को लेके विजन क्लियर है हमारे इधर विजन ही नहीं क्लियर हो रहा हम अपनी पॉलिटिक्स से निकले तो हम अपनी जो सी एग्रीकल्चर है उसको सही तरह यूटिलाइजेशन करें उनका कब क्लियर हुआ और हमारा कब खराब हुआ और हमारा विजन कब क्लियर होगा देखिए 1947 हाँ। में सफर इकट्ठे स्टार्ट किया और बड़े लोगों से मैं यही रोना रोता हूँ कि वजह किधर आके हम खराबी का सामना हमें करना पड़ा किधर आके हम अपने ट्रैक से हट गए क्या ऐसा मसला आया कि पाकिस्तान जो उनसे आज ये कहता नजर आ रहा है जी वो इसलिए कि उनका विजन क्लियर है भाई उनका विजन कब क्लियर हुआ नहीं उनका विजन शुरू से ही क्लियर था हमारा देखिए हमारा जो उनसे विजन है ना वो देखे अब सारी जंगे लगा लें
किसी जंग में भी हमारा कोई ऐसा रोल नहीं रहा कि हमने एक बेहतरी दिखाई हो। वो हमेशा डिटर्मेंट है हमारा, हम एक डिटर्मिनेशन के साथ नहीं लेकर चले। हमारी जो सी हुक्मरान है या ऐसी जो सी भी ताकतें हैं, लीडरशिप हैं, वो डिटर्मिनेशन के साथ नहीं चली, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। और आने वाले मजीद दिनों में लग रहा है कि ये हालात और ख़राब होंगे। आपको न्यूज़ बताता चलूँ, आप बोल रहे हैं लग रहा है, अभी जो बजट आ रहा है उसके अंदर ये बात हो रही है कि फूड की प्राइस बढ़ेगी, इवन आटे की प्राइस बढ़ेगी। पाकिस्तान में आटे की कीमत बढ़ेगी। एक साइड पे पाकिस्तान में खबर है कि आटे की कीमत बढ़ेगी, दूसरी साइड पे नेबर कंट्री में कीमत है कि हम अमेरिका को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, वो आगे बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस पर कमेंट तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन वो देख लें खुद ही होगा। कमेंट आप पब्लिक की एक ओपिनियन होती है। हाँ बिल्कुल, नहीं ये बात अच्छी नहीं है। देखिये हमें अपनी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवाम को अवेयरनेस देनी चाहिए, इवन के अवाम को अवेयरनेस के अंदर शामिल होना चाहिए, उसको इनटेक करना चाहिए और अपने हुक्मरानों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है। इसकी वजह से वो अवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहे कुछ। अच्छा, एक मसला पाकिस्तान में आपके ख्याल से ये भी नहीं है कि जो अवेयरनेस देना चाहता है या जो सच दिखाना या बताना चाहता है उसे ये कह दिया जाता है कि भाई ये सच को झूठ और झूठ को सच कह दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, आपको ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो फिर हम ऐसे ही चलते रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, हम क्राइसिस का सामना करते रहेंगे, जो उनसे वो मुश्किल का सामना। हाँ, ये अवाम को यूनाइट होना पड़ेगा, अवाम को एक प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा, ना कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म। मैं प्लेटफॉर्म्स का जो सही वर्ड यूज कर रहा हूँ एज ए पोलिटिकल पार्टी, हमारे जो से प्लेटफॉर्म वो डिफरेंट है प्लेटफॉर्म से। अवाम को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सारे मामला ठीक होना होंगे। मेरी यूथ को कोई ट्रैक मिलेगा, मुझे ईमानदारी से बताइएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आपने बोला, आपकी सैलरी, मतलब मैं ये नहीं कहता आप एग्जैक्ट फिगर बताएं, कितने डिजिट सैलरी आप? हम मेरी तो आप कह लें 5 डिजिट भी नहीं है, 5 डिजिट भी सैलरी नहीं। लगता है कि ये जब 5 साल आप यूनिवर्सिटी में मेहनत करते हैं, उससे पहले 16 साल की अपनी एजुकेशन है और फिर जॉब प्राइवेट है, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या कोई भी इंजीनियर, पाकिस्तान में किस तरह की लाइफ मोस्टली गुजार रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी अच्छी लाइफ नहीं है। देखें ना, हम अपने यूथ को यूटिलाइज नहीं कर रहे, ठीक हो गया, हम अपने टैलेंट को यूटिलाइज नहीं कर रहे, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स नहीं ला रहे, जिसकी वजह से हमारी जो सी है वो ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, हर एक चीज़ की प्रोडक्टिविटी कम हो गया। देखें ना आगे, आजकल का जो सा यूथ है वो क्या चाह रहा है, उसको हमारी जो सी गवर्नमेंट है या पाकिस्तान है यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, इसलिए तो यहाँ पे उसको अपना फ्यूचर ही नहीं नजर आ रहा है, वो बाहर जाता जा रहा है, वो बाहर चले जा रही है। अगर सारे बाहर चले जाएंगे तो इधर कौन काम करेगा, इधर वो कैसे पूरा काम करेंगे जो पहले से करते हैं, पहले से करते आ रहे हैं, जो नई सोच है वो जब वो डिवेल्प ही नहीं होगी, पुरानी सोच के साथ ही आप किसी सिस्टम को लेकर चलेंगे तो फिर ये कैसे सिस्टम इन्हांस होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी? वहाँ से इंडिया से या कोई भी नेबर कंट्री है, अगर वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंडिया खास तौर पे इसलिए कहा जाता है कि वो हमारे साथ स्टार्ट हुए थे, ठीक है, और उनकी बहुत सी चीज़ें हमारे साथ मैच करती हैं, जुबान मैच करती है, थोड़ा बहुत मैंटेलिटी मैच करती थी, अब तो शायद डिफरेंस आ चुका है, बहुत ज़्यादा सोच में फ़र्क आ चुका है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ वहाँ पे अगर कुछ बेहतर हो रहा है अडॉप्ट करना चाहिए, या ये सोचना चाहिए नहीं नहीं वो तो दुश्मन है उसका तो नाम ही ना लो? नहीं नहीं देखें जी, ये बात नहीं होती। देखें अगर वहाँ पे